गाइस फाइनली आज WWE में फिंड ब्रे वाइट का रिटर्न हो गया और आते के साथ उन्होंने रोमन रेंस पर अटैक कर दिया है। गाइस WWE से रिलीज होने के बाद पूरे रेसलिंग वर्ल्ड को यही लगा था कि बाकी सुपरस्टारों की तरह ही ब्रे वाइट भी AEW कंपनी में चले जाएंगे, लेकिन गाइस कुछ दिन पहले AEW का सबसे बड़ा पेपर व्यू डबल और नथिंग हुआ था। गाइस जिस तरह WWE का सबसे बड़ा पेपर व्यू रेसलमेनिया है, ठीक उसी तरह डबल और नथिंग AEW का सबसे बड़ा पेपर व्यू है। तो गाइस सभी को यही लगा कि अगर ब्रे वाइट AEW के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किए होंगे तो फाइनली उनका रिटर्न डबल और नथिंग में हो जाता, लेकिन गाइस ऐसा कुछ नहीं हुआ और ब्रे वाइट ने अपना रिटर्न AEW में नहीं किया। लेकिन गाइस अभी ब्रे वाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे कुछ अजीब हरकतें की है। उन्होंने अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करके एक मॉस्क्यूटो या फिर फ्लाई का पिक्चर लगा दिए है। गाइस जूम करके इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं ये क्या है। गाइस क्या कुछ पता चल पा रहा है कि ये क्या है? गाइज स्टार्टिंग में मुझे भी कुछ समझ नहीं आया, लेकिन गाइज जब हमने इस पिक्चर को सीधा किया तो क्या गाइज अब आप लोगों को कुछ दिखा? चलिए गाइज इसे और जूम करके देखते हैं। ओह माय गॉड गाइज ये क्या है? ये तो फिंड है। WWE से रिलीज होने के बाद भी ब्रे वाइट फिंड का यूज क्यों कर रहे हैं? क्योंकि फिंड WWE की प्रॉपर्टी है और ब्रे वाइट बिना WWE के परमिशन के इसका यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन ऐसा वे तभी कर सकते हैं जब वे WWE के सुपरस्टार हो। और तो और गाइज ब्रे वाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट के नेम को चेंज करके वाइट 6 कर दिया है। गाइज ब्रे वाइट नाम का ट्रेडमार्क WWE कंपनी के पास है। गाइज ब्रे वाइट ने अपने ट्विटर अकाउंट पे अपने रिटर्न को लेके काफी कुछ कहा है। गाइज यहाँ ब्रे वाइट का ये कहना है कि उन्होंने अपने फैंस को काफी वेट करवा लिया है, लेकिन अब वे पूरी तरह से तैयार हैं। किस चीज के लिए? अपने रिटर्न के लिए। और वे लास्ट में ये कहते हैं कि पेशेंस, इट्स ऑलमोस्ट टाइम। यानी उनके फैंस ने उनके रिटर्न को लेके काफी वेट किया, लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि ब्रे वाइट दोबारा से रेसलिंग वर्ल्ड में अपना कदम रखे। गाइस ट्विटर पे ब्रे वाइट ने जिस तरह की हरकतें की है, इससे ये साफ है कि ब्रे वाइट अपना रिटर्न WWE कंपनी में ही करना चाहते हैं। और सच तो ये है कि WWE को भी ब्रे वाइट की इस कंपनी में एक्चुअल में जरूरत है। गाइस जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि अभी रोमन रेंस अपना पूरा फोकस हॉलीवुड में जाने पर किए हुए हैं, और अभी तो वे WWE के शो को अटेंड ही करना बंद कर दिए हैं। ना ही वे हमें मंडे नाइट रॉ में देखने को मिलते हैं, ना ही स्मैकडाउन में, और तो और WWE ने रोमन रेंस को ना तो हेल इन अ सेल ना ही मनी इन द बैंक जैसे इन बड़े शो के लिए बुक किया है। और गाइस सच में इस चीज से फैंस काफी ज्यादा नाराज हैं। गाइस अगर हम लोग मंडे नाइट रॉ की बात करते हैं तो यहाँ बड़े बड़े मेगा सुपरस्टारों की कमी नहीं है, लेकिन अगर स्मैकडाउन की बात करें तो ड्रू मैकेंटायर रोमन रेंस को छोड़ के कोई भी बड़ा नाम नहीं है। ऐसे में गाइस अभी WWE को ब्रे वाइट जैसे सुपरस्टारों की बहुत ज्यादा जरूरत है। गाइस अगर विंस मैकमैन ब्रे वाइट में इंटरेस्टेड है तो ये कन्फर्म है कि हेल इन अ सेल में फैंस को ब्रे वाइट का एक बड़ा सरप्राइज रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइस कुछ भी हो, लेकिन हेल इन अ सेल WWE का एक बड़ा पेपर व्यू है और WWE यहाँ कुछ स्पेशल ना करे ऐसा हो ही नहीं सकता है। हाँ मैं मानता हूँ कि हेल इन अ सेल में हमें कोडी वर्सेस सेथ का मैच देखने को मिलेगा, लेकिन ये चीज WWE हमें पहले भी दो बार दिखा चुकी है। और गाइस अगर सच कहूँ तो जरूर WWE इस मैच में कुछ स्पेशल करेंगे। गाइस अगर ब्रे वाइट WWE में आने वाले हैं तो फाइनली वो हेल इन अ सेल में ही आएंगे। गाइस ये रूमर आए थे कि विंस मैकमैन ने ये प्लान किया है कि वे रोमन रेंस के नेक्स्ट अपोनेंट के तौर पे ब्रे वाइट को देखना चाहते हैं। अगर विंस मैकमैन सच में ऐसा चाहते होंगे तो बहुत जल्द फिंड का रिटर्न WWE कंपनी में ही होगा। तो गाइस आज की वीडियो कहीं एंड करते हैं। आई होप कि आप लोग आज का वीडियो काफी अच्छा लगा होगा। डियर गाइस अगर सच में वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो गाइस मिलते किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, देन तब तक के लिए बाय गाइस एंड टेक केयर।